यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गुरसिमरन ने आज एक पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि यूथ कांग्रेस 1 फरवरी को एक बड़ी विरोध यात्रा निकालेंगे और वह विरोध यात्रा देश में बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर निकाली जाएगी और बाकायदा साइकिलों और बैलगाड़ियों पर इस यात्रा को निकाला जाएगा। युवा कांग्रेस 1 फरवरी की पहली तारीख को एक साइकिलों पर उतरकर प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें नौजवान, बुजुर्ग लोग और हल्का माला के सभी लोग हिस्सा लेंगे। वो प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई के लिए किया जाएगा। उसके अंदर साइकिलों पर उतरकर और बैलगाड़ियों के ऊपर बैठकर प्रदर्शन किया जाएगा। वो प्रदर्शन एक हिसाब से सिंबॉलिक होएगा पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई जिस हिसाब से आम आदमी की कमर तोड़ रही है, और नौजवानों की भी अगर देखा जाए, कॉलेज जाने वाले छात्रों की भी पेट्रोल इस समय सबसे ऊंचे स्तर के ऊपर है, और राष्ट्रीय बाजार में देखा जाए, इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के भाव बहुत कम है, कच्चा तेल बहुत सस्ता है। वो इस समय भी 50 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से बिक रहा है, पहले 40 रुपए प्रति बैरल था। और जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो वही पेट्रोल डीजल मेरे हिसाब से 45 रुपए डीजल था और 60 रुपए पेट्रोल था। आज जो पेट्रोल 80 के आसपास पहुंच गया है और डीजल बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर रह गया है पेट्रोल और डीजल में। यह यात्रा मटेड़ी से डीसी कार्यालय तक निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों यूथ कांग्रेसी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।